मार्केट्रे पुंजि विनियोग आपण इच्छुक कि लस्रे नपड़ी आपण आय रिटर्न करने को चाहते कि स्टॉक मार्केट रे को कॉन्सेप्ट बा विषय वस्तु को आपण चयन करेंगे केमी यहाँ चलाइबे आ वर्तमान ट्रेडिंग मॉडल कौन रही किभली जड़े एथे टंका विनियोग करी सफल हेबो बा लाभवान हेबो ओ निज लक्ष्य रे पहुंचबो से नै युवपीढ़ी को तथ्य प्रदान करुची इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक। यार प्रतिष्ठाता एस प्रसाद राव वर्तमान 100 रु अधिक पिलांकु स्टॉक मार्केट रे टंका विनियोग करिवार प्रशिक्षण देउछंती। ताको पाखकु आसीतिबा छात्र हरिहर साहू ट्रेडिंग रो सठिक उपाय न जानी 40,000 रु अधिक टंका क्षति सहिछंती। आउ एबे इन्वेस्टमेंट अनब्लॉक्ड रे कोचिंग नेबा परे स्टॉक मार्केट रे पुंजि विनियोग करिवार कांसेप्ट बुझबा परे हराइथिबा टंका फेरि पाइबे बोली कहिछन्ती। मु फर्स्ट बहुत गूगल सर्च कली कि टीचिंग भलो करि परिबे तो रिसर्च कला परे मते इन्वेस्टमेंट अनब्लॉक जोटा कि मिलिथिला जेतरे भलो रिव्यू आस्थिला तो रिव्यू देखि कि मु एठी जॉइन कली। एथिरे मते मो फादर भी सपोर्ट करले तो बुझा कथा हेले एमती सपोर्ट करले सही सपोर्ट रे मु पापा को सपोर्ट आसी ता से तो मु थैंक्स करबे मो प्रसाद सर जी की इन्वेस्टमेंट अनब्लॉक रो फाउंडर जी। अच्छा तो सही कॉन्फिडेंस जो को मु आज एठी पहुंच परची फाइनेंशियली भी स्टेबल हे परबे घरे रहिके भी किछटा इनकम कर परबे माने एमती जो हाउसवाइफ माने स्पेशली घरे रहे कि भाबु चोंदी कि आम मानक पाखरे किछु होप नाही किछु फैसिलिटीज नाही आम पई तो एटा गोटे तांकर लागि गोटे भलो वे माने एटा घरे किछटा टाइम दे कि से माने किछु अर्न करि परबे निजे फाइनेंशियली स्टेबल हबा सहित घरर भी घर हस्बैंड को भी माने सपोर्ट करि परबे। प्रसाद राव 2014 मसीह रे निजर आय को द्विगुणित करबा पई से स्टॉक मार्केट रे पुंजी निवेश करथिले। पुंजी निवेश करी अनेक टंका हराइले मध्य या को नजर रे रखी जुवपीढ़ी किपरि एही स्टॉक मार्केट रे क्षति रे न पड़ंतु सेति पई से भुवनेश्वर रे इन्वेस्टमेंट अनब्लॉक्ड नामक एक कोचिंग सेंटर करी जुवपीढ़ी को देउछंती पुंजी विनियोग करिवार प्रशिक्षण। एति पई से पुणे एवं मुंबई भली शहर रे रही अनेक विशेषज्ञ मानक ठारु ए संपर्क रे प्रशिक्षण लेइछंती। ବହୁତ ଲୋକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟକ୍ସ ହୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଖରାପ, କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ହାଇ ଲିଭରେଜେସ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ନ ଜାଣିକି ବାହାରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିକି କୌଣସି ବି କମ୍ପାନୀର ସେୟାର କିଣିଦେବା ଫଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲସ୍ ହେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି 2017ରେ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରୋକିଂ ହାଉସ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲି ମୋତିଲାଲ ଓସ୍ୱାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ରେ। ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ସେମାନେ ରାଣ୍ଡମ୍ ଟ୍ରେଡିଂ କରନ୍ତି ବିନା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ରେ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଲସେସ୍ ହୁଏ। ତ ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ମୁଁ ବତେଇଲି କି ଟେକ୍ନିକାଲି ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ରାଇସ୍କୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲି ଏମିତି ଭାଲ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଅଣ୍ଡର ଭାଲ୍ୟୁ ସେୟାର୍ସ ଚୟନ କରିପାରିବେ, ତ ସେମାନେ ବହୁତ ମୋତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କଲେ। ତ 2017ରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନବ୍ଲକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଓପନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି କେମିତି ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ପଇସା ବନେଇ ପାରିବେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ, ତା ପାଇଁ ଫୋକସ୍ କରିକି ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବପିଢ଼ି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ବଜାରରେ ଯତ୍ନର ସହ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ।